जय श्री राम, राम राम, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज के सुबह की दिन की शुरुआत करते हैं फिर उसी राम का नाम लेकर, जय श्री राम। आप देख सकते हो हम सोकर उठ चुके हैं। यहाँ पर हमने रात्रि का विश्राम किया था। आप देख सकते हो पूरा रूम है, ये रूम है और हमारे बैग बिल्कुल तैयार हैं, यहाँ पर लगे हुए हैं। और हम यहाँ से आज प्रस्थान करेंगे धौलपुर के लिए, जो कि 33 किलोमीटर की दूरी पर है। और अभी संजू भाई साहब जी, चालौन जी का ये घर है, उनसे आप सभी को भी मिलाएंगे। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ इस तरह से। और दोस्तों यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बाहर का कुछ ऐसा सीन है, आपको दिखा दूँ मैं। हिमांशु है मेरे साथ और मोनू, आज इसका बर्थडे है। और आप देख सकते हो यहाँ का एक नज़ारा, बिल्कुल कोहरा छाया हुआ है चारों तरफ। अभी हमारा नाश्ता आ गया है, आप देख सकते हो ये नाश्ता किया है, बहुत ही अच्छा नाश्ता कराया है हमें हिमांशु के घर पे, देख सकते हो आप। और अभी नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद हम रेडी हो जाएंगे यहाँ से प्रस्थान करने के लिए। बाकी बातें नाश्ते के बाद करते हैं। और अभी हम हिमांशु इनके घर से निकल चुके हैं और हिमांशु हमें छोड़ने जा रहा है साथ में, आप देख सकते हो। और हमें मेन रोड तक भाई साहब छोड़ने जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें भी। और इनके घर पर रात्रि को विश्राम किया था, तो बहुत अच्छी व्यवस्था की इन्होंने, बहुत अच्छी सेवा की, तो इन्हें तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं मैं। अभी हम धौलपुर हाईवे पर आ गए, धौलपुर हाईवे तक भाई साहब हमें यहाँ पर छोड़ने आए, तो तहे दिल से इनका धन्यवाद देते हैं। धौलपुर तक हम अपनी यात्रा करेंगे आज, तो चलते हैं फिर। जय श्री राम। ठीक है हिमांशु, अच्छे से रहना, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से रहना, और मिलेंगे कभी गंगा पुराने आए तो बताना ना। जय श्री राम, बाय। और धौलपुर हाईवे पर है हम अभी, आज हमें धौलपुर का सफर तय करना है। असोटी खेड़ा हम पहुंच चुके हैं और हमने अभी तक 2 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। और आप अभी भी देख सकते हो बहुत खतरनाक धुंध है, कोहरा छाया हुआ है। तो आप सभी से एक निवेदन है, कोहरे के अंदर वाहन धीरे चलाए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी रखनी चाहिए हमें, कोहरे में अपनी पूरी सावधानी रखनी चाहिए और वाहन धीरे चलाने चाहिए। जय हिंद। चला चला यूं ही मैं चला चला, मुझसे भाप निकल रही है। और अभी आप देख सकते हो एक बोर्ड, धौलपुर यहाँ से 31 किलोमीटर है और आगरा यहाँ से 88 किलोमीटर आगरा यहाँ से, देख सकते हो आप। तो दोस्तों अभी धौलपुर की तरफ हम जा रहे थे, तभी ये भाई हमें मिले रास्ते में और इन्होंने आगे से हमें पूछा, तो बहुत अच्छा लगा। चलिए इनसे आपको मैं रूबरू करवाता हूँ। आपका नाम भैया? मेरा नाम ऋषभ भारद्वाज, बाड़ी से। और भैया आपका नाम? युधिष्ठिर तिवारी, फ्रॉम बाड़ी धौलपुर। तो ये भैया मिले हमें और बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे मिलते हैं, सराहनीय कार्य करते हैं तो तारीफें मिलती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और ये हमारी यात्रा करने का एक उद्देश्य लेकर चल रहे हैं कि हमें हेल्थ के प्रति ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है, जागरूक करना है। अब पैदल हम इसलिए चल रहे हैं क्योंकि सबसे आसान एक्सरसाइज होती है पैदल चलना, तो कम से कम ये संदेश देते हुए चल रहे हम कि पैदल तो चलना ही चाहिए, और 5 किलोमीटर पैदल चलना, दिन में 5 किलोमीटर कम से कम पैदल चलना ही चाहिए। और इसी के साथ हम नशा मुक्त भारत को भी वो मोटो दे रहे हैं कि हमें हेल्थ के प्रति सचेत होना चाहिए और ये नशीली चीजों के पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। आजकल अपन देखते हैं 1-2 किलोमीटर जाने के लिए भी आजकल के लोग बाइक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें नहीं करना चाहिए, पैदल चलना चाहिए। पहले के लोग अपन देखते थे पैदल ज्यादा से ज्यादा चलते थे, तो उनकी उम्र भी ज्यादा होती थी, स्वस्थ रहते थे। और यही है बस, फिर आगे चलते हैं। बहुत अच्छा लगा मिलके भी आपसे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम भैया, जय श्री राम। देख सकते हो इस बोर्ड पर लिखा हुआ है स्मार्ट विलेज धनोरा, प्रधानमंत्री के हाथों से सम्मानित देश का प्रथम स्मार्ट विलेज। दोस्तों धौलपुर यहाँ से 30 किलोमीटर है और यहाँ से बाड़ी समाप्त होता है, आप देख सकते हो। दोस्तों अभी 10 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक भी बिल्कुल है ना, इतनी भयंकर धुंध छाई हुई है, कोहरा जिसे हम बोलते हैं, आप देख सकते हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में, तराने लिए, तराने लिए। दोस्तों अभी हम हुसैनपुर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हो ऐसा है नज़ारा। और यहाँ से धौलपुर है 25 किलोमीटर की दूरी पर, आप देख सकते हो बोर्ड,
25 किलोमीटर की दूरी पर है धौलपुर यहाँ से। तो चलते हैं धौलपुर की तरफ और यहाँ का देख सकते हो नज़ारा कैसा है, बहुत ही अद्भुत नज़ारा हो रहा है और हमारे इंडिया का फ्लैग तो लहरा रहा है। मत्स्युदा हम आ गए, आप देख सकते हो यहाँ पर तालाब वगैरह बने हुए हैं और देख सकते हो आप कुछ ऐसा है यहाँ का नज़ारा। उधर की तरफ भी तालाब है और मत्सुदा सिंहपुरा नाम का ये बोर्ड लगा हुआ है देख सकते हो। और आप देख सकते हो भेड़, इतनी सारी भेड़ों में फंस गए हम मत्सुदा गांव में, इतनी सारी भेड़ देख सकते हो आप। अगर किसी की हड्डियां कमज़ोर होती है ना तो उसे भेड़ का दूध पीना चाहिए, उससे उसकी हड्डियां मजबूत हो जाएगी और उसमें ताकत आ जाएगी। दोस्तों एक लाइन बोलना चाहता हूँ कि हमारे पैरों में पड़ गए छाले लेकिन अब हम नहीं है रुकने वाले, क्योंकि प्रभु श्री राम के दरबार में है हम पहुँचने वाले। बोलो जय श्री राम। और अभी आप देख सकते हो हमने यहाँ पर बैग रख दिया है और यहाँ बीच रास्ते में अभी 20 किलोमीटर बाकी है, लेकिन अभी हम जो लड्डू लेके आए थे हम घर से मस्त वाले दाख बादाम वाले, तो ये खाते हैं और उससे हमें एनर्जी भी मिल जाएगी। आप भी खा लीजिए। अब देखिए भाइयों हम यहाँ पर बैठ कर लड्डू खा रहे हैं और हमारा बैग पीछे तिरंगा लहरा रहा है, आपको पता ही है। बहुत ही टेस्टी लड्डू है, मजा आ गया लड्डू खा के, एनर्जी मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी उससे हमें। रास्ते में हमें एक गौशाला दिखी है जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। श्री परशुराम सेवा संस्थान जी गौशाला है देख सकते हो आप, और एक मूर्ति बनी है बहुत ही सुंदर यार। और दोस्तों अभी टाइम हो गया है 1:25, लेकिन आज तो बिल्कुल भी सूरज देवता के हमें दर्शन नहीं हुए है देख सकते हो, ऐसा है नज़ारा। और अभी भी यहाँ पे धुंध छाई हुई है कितनी भयंकर। मैं आपको इधर का एक नज़ारा दिखाता हूँ गाइस। दोस्तों आप देख सकते हो इधर का नज़ारा, रोड के इधर की तरफ आप देखोगे बिल्कुल इस तरह का नज़ारा है, और इस रोड के इधर की तरफ आप देखोगे दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हो इतनी बड़ी नहर, एक बहुत बड़ी नहर जा रही है, आप देख सकते हो जहाँ तक पीछे से आपको दिखेगा, मैं दिखाता हूँ आपको, देख सकते हो ये पूरी नहर है पानी की किस तरह से पूरी खतरनाक। और धुंध छाई हुई है अभी भी, 1:25 हो गए हैं लेकिन अभी तक धुंध बहुत भयंकर हो रही है और हम अपने सफर पर चल रहे हैं। अभी भी यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है धौलपुर। दोस्तों अभी हम 18 किलोमीटर तो चल चुके हैं लेकिन अब हमसे थोड़ा चला नहीं जा रहा, पैर बहुत भयंकर दर्द कर रहे हैं यार आज तो। और अभी तक हमने खाना भी नहीं खाया, खाना भी नहीं खाया अभी तक, सुबह नाश्ता करके ही निकले थे, वही क्या है बस बॉडी में 1% एनर्जी नहीं है आगे बढ़ने की भी, लेकिन फिर भी देखते हैं आस पास कोई जगह मिलती है तो वहाँ पर विश्राम करेंगे। आज ज़्यादा नहीं चले यार, धौलपुर तक तो शायद ही पहुँच पाएंगे हम आज, क्योंकि रेस्ट करना यहाँ पे है ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही है बहुत भयंकर तरीके से। और अभी तक भी देख लो आप, सूरज तो दूर की बात है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है खतरनाक ठंडी हवा चल रही है यार, कोहरा बहुत भयंकर है। ये देखो नज़ारा है यहाँ का, ऐसा नज़ारा है यहाँ का। तो भाई अभी धौलपुर यहाँ से 12 किलोमीटर बचा हुआ है, और दोस्तों इस सफ़र में इंजॉय तो हम करते ही जा रहे हैं और इसके साथ थोड़ी बहुत मुसीबतें तो आती है। एक बात बोलना चाहता हूँ मैं इसी पर कि सपने अगर पूरे करना चाहते हो तो मुसीबतों का सामना तो करना ही होगा। तो देख सकते हो धौलपुर यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है, दोस्तों अभी हमें एक भैया मिले जो कला दंडो देते हुए जगन्नाथपुरी तक जाएंगे। कितना किलोमीटर है जगन्नाथपुरी? 1500। आपने स्टार्ट कहाँ से किया? महावीर जी ने, भैया ने स्टार्ट किया था, और कहाँ तक जाओगे आप खुद ही बता दो एक बार। जगन्नाथपुरी उड़ीसा भुवनेश्वर जगदीश धाम। और यहाँ ने महावीर जी से स्टार्ट किया था 1500 किलोमीटर। और आपका नाम? विजय। विजय तो यार आपको तो भैया सल्यूट करना पड़ेगा यार,
कला दंडोती दोगे कितने मतलब कितना टाइम लग जाएगा आपके? 12 महीने के लगभग लग जाएगा। 12 महीने की। और हमने भी क्या गंगापुर सिटी से यात्रा स्टार्ट की थी 1 जनवरी को, अयोध्या से राम मंदिर तक जाएंगे हम। आपने कोई मन्नत वगैरह मानी? बहुत अच्छा है यार, आपसे मिलकर तो बहुत अच्छा लगा। अभी वो भैया मिले थे, उनके लिए मेरा सैल्यूट। सैल्यूट तो बनता है यार, क्योंकि वो श्री महावीर जी से निकले, उड़ीसा में है 36 धाम, वहाँ तक वो कला दंडोत देते हुए जाएंगे। और बहुत कठिन होती है ये यात्रा, और 1750 किलोमीटर की, या करीब उनको 1 साल लग जाएगा इसमें। तो उनके इस जज्बे को मेरा सलाम, और दुआ करता हूँ उनकी यात्रा मंगल में हो, अच्छी हो, कोई प्रॉब्लम ना हो उन्हें भी। और इसी के लिए मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर किसी कार्य को करने के लिए जुनून है और जज्बा है, तो कोई भी कार्य है ना, नामुमकिन नहीं है, सब कुछ आसान हो जाता है। आपने देखा उनके चेहरे पर एक स्माइल थी, मुस्कान थी उनके चेहरे पर, क्योंकि उनके अंदर उस कार्य को करने के लिए जुनून था और जज्बा था। तो मेरा सलाम है उनको यार, सैड सॉफ्ट। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, आज का हमारा टारगेट धौलपुर रहा है, और हमें एक न्यूज़ भी मिले हैं, जो कि अभी हमें इन्हीं से पूछते हैं। आप अपने बारे में कुछ बताइए, इंट्रोडक्शन अपना दीजिए पहले। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एज ए लेक्चरर काम करता हूँ, और मैं रोज़ हेल्थ के वजह से रोज़ साइकिलिंग से कॉलेज आता हूँ। 6 किलोमीटर आने का रहता है, 6 किलोमीटर जाने का रहता है। तो देख सकते हो आप, हेल्थ के लिए ये भी जागरूक है बहुत ज़्यादा। और इन्हें अभी मैंने इन्हें बताया जो अपना मोटो है, हेल्थ इज़ वेल्थ को लेकर अपन चल रहे हैं, तो इसके लिए भी इन्होंने बहुत तारीफ की है, तो उनके लिए धन्यवाद। और एक युवा इस तरीके से अगर जागृत होते हैं तो मतलब देश के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आजकल लोग नशापात में ज़्यादा पड़ गए हैं। और दूसरा है, आप लोग एक जागरूकता रैली निकाल रहे हो गंगापुर से लेकर अयोध्या तक, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग, लोगों को आपका संदेश पहुंचना चाहिए। तो बस यही चाहते हैं हम, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये संदेश पहुंचे, और बस यही है। तो अच्छा लगा आपसे मिलके भी, बहुत बहुत अच्छा लगता है जब रास्ते में ऐसा कुछ बोलता है ना, तो बहुत अंदर से अप्रिशिएट होता है, कुछ मोटिवेशन मिलती है कि जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कर रहे हो आप, बहुत अच्छा कर रहे हो। साथ में आप अपने जो लक्ष्य है, जो आपका टारगेट है करियर को लेकर भी थोड़ा अवेयर रहे, वो भी एक अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। हाँ नहीं, वो करियर तो है ही है साथ में, लेकिन अभी कुछ मैं वैसे SI की तैयारी कर रहा था, लेकिन अभी कुछ वैकेंसी वगैरह आई नहीं, तो इस वजह से मैंने सोचा यार अच्छा 1 महीने में तो कौन सा वो कर लेंगे। आप ऐसा ही भी पहले से प्रिपरेशन लेके चल रहे हो? बिल्कुल, मैंने इंडियन आर्मी की तैयारी भी की है। अच्छा, ऐसा था। नहीं, अभी आपकी हेल्थ SI के लिए आप फिटनेस में और प्लस पॉइंट मिलेंगे आपको इस तरीके से। ये सब चीजें लेके चलते हैं, देखो कोई अगर 100 लोगों को बताते हैं, उनमें से अगर 10 भी सुधर जाएंगे ना, तो मैं समझूंगा कि सफल हुआ मेरा ये मोटो। और अपने भगवान के लिए श्री राम अयोध्या मंदिर तो जाहिर है, भगवान जी के ही करते हैं दर्शन सबसे पहले। ये है, चलो ठीक है फिर, अच्छा लगा आपसे मिलके भी, है ना। दोस्तों हम धौलपुर पहुंच गए, और खाना पीना खा पी के हम रेडी बिल्कुल सोने के लिए तैयार है, क्योंकि आज बहुत थक चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो वीडियो भी नहीं बना पाया मैं, सॉरी उसके लिए। और सुबह मिलते हैं, नई शुरुआत करते हैं दिन की। आज के इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आपने ये इन्जॉय किया हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। मिलते हैं कल नए दिन के साथ, धन्यवाद।